वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स को। डिविजिबिलिटी रूल्स में होता क्या है कि इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं और उन नंबर्स के ऊपर ये हमसे पूछा जाता है कि क्या ये नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी कि दिए गए नंबर से, क्या प्रॉपरली पूरा पूरा डिविजिबल है, कट जाता है या नहीं कटता। तो उसका टेस्ट हम यहाँ पर कुछ हमारे रूल्स हैं डिविजिबिलिटी रूल्स हम कैसे करते हैं। देखिए, 2 के द्वारा जो नंबर्स हमारे होते हैं उनको हम किस तरह से जानेंगे कि क्या ये नंबर हमारा 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर नंबर है हमारा 2। 2 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, यूनिट प्लेस वैल्यू मस्ट बी 0 और 2, 4, 6, 8। यहाँ पर जो हमारा यूनिट प्लेस पर जो नंबर होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 6 और 8, इनमें से कोई भी हमारा नंबर अगर यूनिट प्लेस नंबर पे है तो वो नंबर हमारा 2 से प्रॉपरली डिविजिबल होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है 2430। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वंस प्लेस वैल्यू यानी कि यूनिट प्लेस पर है 0 है, और नीचे जो दूसरा एग्जाम्पल है 254, इसमें भी यूनिट प्लेस पर हमारा 4 दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये यूनिट टेस्ट है वो देखिए अप्लाई होगा, ये पूरा पूरा कटना चाहिए इससे। देखते हैं इस नंबर को, 2430 को हमने 2 से डिवाइड किया, देखते हैं क्या ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा इससे, प्रॉपरली डिविजिबल होगा या नहीं। 2 बन जा 2, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 4 नोट कर लिया। ओके, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचता, ऊपर से यहाँ पर 3 हम उतार लेंगे, तो 2 बन जा 2, यहाँ से 1 बचा और आगे से हमने यहाँ से 0 यहाँ से नोट किया, तो 2 5 जा 10। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं बचा हुआ है, राइट right? तो ये नंबर हमारा 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर? ऐसे हमारा 4 इसमें यूनिट प्लेस पर दिया गया है। ओके, सो इस नंबर को हम देखेंगे 254, यानी कि 254 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 को हमने यहाँ से उतार लिया है, 2 2 जा 4, 1 बचा, आगे से हमने फिर से 4 को यहाँ से उतार लिया है, 2 7 जा 14, आगे देखिए कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट प्लेस पर 0 और 4 वैल्यू थी। अब ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर हमारा 2 से प्रॉपरली डिविजिबल हो जाता है। बात करते हैं 3 और 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की। अगर हमारा सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 9, तो हमारा जो दिया गया नंबर होगा वो 3 और 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल में 1368, ये जो नंबर है इनकी जितने भी डिजिट्स हैं उनका हम सम निकालेंगे, यानी कि उन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो 3 और 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, राइट? अगर ऐसा होता है तो हमारा दिया गया नंबर भी 3 और 9 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है। देखते हैं, हम नंबर है हमारा 1368, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, यानी कि इनके जो डिजिट्स हैं उनको हमने आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आता है 1 प्लस 3 4, 4 6 10, और 10 और 8 18। अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करें तो 3 6 जा 18, हमारा देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ऐसे हम 18 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 2 जा 18, देखिए आप यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। तो ये नंबर हमारा डिविजिबल हो जाना चाहिए 3 और 9 से। देखते हैं इस नंबर को, 1368 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 4 जा 12, 1 बचा, ऊपर से हम यहाँ 6 नोट कर लेंगे। ओके, तो 3 5 जा 15, 1 बचा, ऊपर से हमने फिर से 8 यहाँ से उतार लिया, और 3 6 जा 18, यानी कि यहाँ भी हमारा जो है कुछ नहीं बचता है, ये नंबर प्रॉपरली डिवाइड हो गया है 3 से, राइट? तो हमारा रूल बिल्कुल ठीक था। इस नंबर को हम 9 से भी डिवाइड करके देखते हैं,
ओके सो 9 से हमने डिवाइड किया, 9 वन जा 9, 4 बचा, यहाँ से हमने 6 उतार लिया, 9 5 जा 45, फिर से 1 बचा, आगे से हमने यहाँ से 8 हम उतार लेंगे, 9 2 जा 18, ओके सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं बचा, तो ये कंप्लीट से डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारा रूल बिल्कुल अप्लाई हो गया है इस पर। ऐसे कोई भी नंबर अगर हमारा है और इस तरह से हम ऐड कर देते हैं, ओके, इसके बाद ऐड करने के बाद हम उसे डिवाइड करेंगे 3 से 9 से, अगर वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है तो दिया गया जो नंबर है हमारा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो 3 और 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय द 4। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, नंबर अगर हमारा है उसके जो लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, अगर वो 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है पूरी तरह से, तो हमारा जो दिया गया नंबर होगा वो भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया 2632, यहाँ पर जो लास्ट की डिजिट है 32 उन दोनों डिजिट से बनता है, ये 32 हमारा 4 से डिवाइड है या नहीं देखते हैं। 32 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, ओके, ये नंबर कंप्लीटली कट गया है, यानी कि ये 4 से कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 2632 इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं, 4 6 जा 24, 2 बचा, आगे हमने यहाँ से 3 नोट कर लिया, ओके 4 5 जा 20, 3 यहाँ से बचा, आगे से हमने यहाँ से 2 उतार लेंगे, और 4 8 जा 32, ओके सो दिस इज द कंप्लीट, ये नंबर कट रहा है इससे, ओके तो ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट था ऑफ 4 का। इस तरह से हम कितनी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 4 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अगर हमारा 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम टेस्ट के लिए चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस वैल्यू पर वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 120 और 1335 कुछ नंबर्स हैं, तो हम बात करते हैं 120 की। यहाँ पर देखिए हमारा वंस प्लेस पर 0 है, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें, 5 2 जा 10, यहाँ से 2 बचा, ऊपर से हमने 0 उतार लिया, ओके 20, और 5 4 जा 20, ओके सो ये नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड हो गया है। ऐसे दूसरा जो नंबर है वो भी 5 से हमारा डिवाइड हो जाएगा आप करेंगे तो। बात करते हैं 6 नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट की। तो गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, बोथ 2 एंड 3 दोनों से वो डिवाइड होना चाहिए। अगर वो दिया गया नंबर हमारा 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो नंबर होगा वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 1368। वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट हमारा जो नंबर है, हम इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 2 के लिए हमारे लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 है, उस 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि लास्ट में जो यूनिट प्लेस नंबर है वो या तो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, अगर ऐसा होता है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, राइट। तो ये जो हमारा फॉलो कर रहा है रूल्स 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, अभी हमें चेक कर रहा है 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। और इस ये टेस्ट कहता है कि अगर ऑल द डिजिट्स अगर हम उनको ऐड कर दें, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 करने के बाद जो भी हमारा नंबर आता है, मान लिया 18 आ गया, 4 6 10 और 8 8 10, अब ये जो नंबर हमारा है वो भी हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 6 या 8 10, तो कुछ नहीं बचा, यानी कि ये नंबर भी हमारा